दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं अर्क के बारे में। अर्क जो कि बी एम ए सेकेंड ईयर मेजर ड्रग्स में आता है, पेपर टू मेजर ड्रग्स में आता है, तो अर्क की बात करते हैं, जिसका सबसे पहले बॉटनिकल नेम से इसकी शुरुआत करते हैं। बॉटनिकल नेम कैलोट्रोपिस प्रोसेरा होती है। इसकी जो फैमिली होती है वो एस्केप्लेडिशी होती है। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा ये जो है रक्त अर्क, जो रक्त कलर का पुष्प होता है उसको कैलोट्रोपिस प्रोसेरा कहा जाता है, और जो श्वेत अर्क होता है उसको कैलोट्रोपिस गिगेंटिया कहा जाता है। एस्केप्लेडिशी इसकी जो है वो फैमिली होती है। अब इसके जो पर्याय की बात करें तो इसको अर्क कहा जाता है, तूत फल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि रुईदार फल होने के कारण इसको तूत फल कहते हैं, साथ ही साथ क्षीरपर्णी कहते हैं क्योंकि इसके पत्र से दूध निकलता है, क्षीर निकलता है, इसलिए क्षीरपर्णी कहा जाता है। अर्कपर्ण विकिरण, इसके फल में जो रुई पाया जाता है वो हवा से इधर उधर फैलता है, इधर उधर बिखरता है, इसलिए इसको विकिरण कहा जाता है। आस्फोट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो फल होता है वो फट जाता है। जिस प्रकार अहिफेन का फल फटता है उसी प्रकार इसका भी फल जो है वो फट जाता है, और फटने के साथ साथ इसका जो छीर है, इसका जो दुग्ध है वो फटने के बाद बाहर निकलती है। इसको हिंदी में आग कहा जाता है, हिंदी में इसको आग कहते हैं, मंदार कहते हैं, अकवन कहते हैं। अब इसकी गण की बात करें तो आचार्य चरक ने इसको कौन कौन से गण में रखा है ये सबसे पहले देखते हैं। तो आचार्य चरक जी ने इसको सट विरेचन वृक्ष में रखा है, साथ ही साथ क्षीर आश्रय होता है, इसमें क्षीर होता है। भेदनी कहा गया है, मलों का भेदन करती है। वमनोपग, वमन में इसका उपयोग होता है। स्वेदोपग, स्वेदन में उपयोग होता है। साथ ही साथ आचार्य सुश्रुत ने इसको अधोभागहर और अर्क आदिगण में रखा है। अब इसकी स्वरूप की बात करें तो इसका स्वरूप जो होता है वो छूप होता है, इस प्रकार से इसका छूप जो है वो इस प्रकार से होता है। इसकी जाति की बात करें तो इसकी जाति जो है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहला जो है श्वेत अर्क और दूसरा होता है रक्त अर्क। रक्त जाति को सामान्यतः अर्क कहा जाता है, इसका वर्णन ऊपर किया गया है। तो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा रक्त अर्क को कहा जाता है, इसका वर्णन हम ऊपर कर रहे थे। अब जो श्वेत पुष्प अर्क का विशिष्ट नाम अलार्क है, या इसे राज अर्क भी कहा जाता है, इसे ही मंदार कहा जाता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसको कैलोट्रोपिस गिगेंटिया कहा जाता है। तो ऊपर जो हम देखे थे वो जो है श्वेत अर्क था, और ये जो है वो रक्त अर्क है। इस प्रकार से जो अर्क है उसकी दो प्रकार की जाति होती है। रासायनिक संगठन की अब बात करते हैं। रासायनिक संगठन, इसके दूध में ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम पाया जाता है, साथ ही साथ इसके हृदय पर कार्य करने वाले तत्व उस्चेरिन, कैलोट्रोपिन, कैलोटॉक्सिन, ये आपको ऐसे याद हो जाएगा। राजर्क में प्रायः यही तत्व पाए जाते हैं, राजर्क में भी यही तत्व पाया जाता है। और इसके कारण तथा मूल के त्वक में एमाइरिन, गाइगेंटेरॉल तथा कैलोटॉक्सिन पाया जाता है। तो इस प्रकार इसकी रासायनिक संगठन की हमने चर्चा कर लिया। अब उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो ये समस्त भारतवर्ष में पाया जाता है। इसके गुण की बात करें तो ये लघु होता है, हल्का होता है, रुक्ष होता है, ड्राई होता है, जिसे रुक्ष को ड्राई कहते हैं। तीक्ष्ण, ये शार्प होता है। इसके रस की बात करें तो इसका जो रस है वो कटु और तिक्त होता है। इसका विपाक जो है वो कटु होता है। इसका जो वीर्य है वो उष्ण होता है, मतलब ये गर्म होता है, पाचन के बाद शरीर में ये गर्मी उत्पन्न करता है। अब इसके प्रयोग की बात करते हैं तो सबसे इसका जो पहला प्रयोग है, मूल त्वक व क्षीर कफ वात जन्य रोगों में तथा रक्त अर्क पुष्प का पैतृक रोगों में दिया जाता है। इस प्रकार से जो मूल त्वक है व क्षीर है कफ वात जन्य रोगों में तथा रक्त अर्क का जो पुष्प है वो कफ पैतृक विकारों में दिया जाता है। संस्थानिक प्रयोग बाएं की बात करें तो इसका जो उपयोग है वो शोथ वेदना युक्त विकारों में, स्लीपद, आमवत आदि में अर्क पत्र को गर्म करके बांधते हैं तथा स्वरस सिद्ध तेल से अभ्यंग मालिश करते हैं।
अब इसके बाद बात करते हैं इसके तैल को कर्ण रोगों में, और जैसे कि कर्ण शूल बाधिर्य, बाधिर्य मतलब बहरापन, इसमें डालते हैं। और इसके जो पत्र चूर्ण जो है व्रण में छिड़कने से शीघ्र ही शोधन व रोपण होता है। इस प्रकार से व्रणों पर मूल त्वक का लेप किया जाता है, व्रण जो होते हैं उनमें मूल त्वक का लेप किया जाता है। बात करते हैं इसके अन्य कर्म के बारे में, तो ग्रंथि शोध में, गंडमाला में आदि आदि जो विकार हैं उसमें इसका उपयोग होता है। छीर का लेप करते हैं, किसी प्रकार की ग्रंथि शोध है, गंडमाला है, उसमें छीर का लेप करते हैं। कुष्ठ तथा अन्य चर्म रोगों में अर्क छीर सरसों के तेल में मिलाकर लगाते हैं। खलित्य में और अर्स अंकुर में भी इसके छीर का लेप करते हैं। दंत शूल में दातुन करते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रायः इसका उपयोग दातुन के रूप में किया जाता है दंत शूल में, तो ये चीज़ जो कॉमन है यहाँ पे, तो ये चीज़ कॉमन नहीं, ये चीज़ जो है वो अक्सर लोगों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। बात करते हैं पाचन संस्थान में, पाचन संस्थान में ये जो है वो अजीर्ण में, अग्निमान में, तो विबंध में, यकृत विकार में, गुल्म में, उदर रोग में इसका उपयोग होता है। कृमि में मूल त्वक का उपयोग होता है, कृमि रोग में इसके मूल त्वक है उसका उपयोग होता है। इस प्रकार से अब अर्क का जो छीर है वो वमन विरेचन के लिए दिया जाता है, अर्क का छीर जिसे दूध कहते हैं उसको वमन विरेचन के लिए दिया जाता है। मूल त्वक विसूचिका में दिया जाता है, अर्क का जो क्षार है वो उदर रोगों में दिया जाता है। इस प्रकार से रक्त वस्त्र स्थान की बात करें तो हृदय दौर्बल्य में, स्लीपद में, उपदंश में तथा अन्य रक्त विकारों में मूल त्वक का उपयोग होता है, मूल त्वक जो है उसका उपयोग होता है, तो प्रयोजांग भी मूल त्वक होगा। इस प्रकार से क्लियर हो जाता है। रक्त पित्त में रक्त अर्क पुष्प का उपयोग करते हैं, जो रक्त पित्त की समस्या होती है उसमें किसका उपयोग करते हैं, रक्त अर्क पुष्प का उपयोग करते हैं। श्वसन संस्थान की अगर बात करें तो ये कास में, साथ ही साथ श्वास में मूल त्वक का उपयोग करते हैं, श्वास में अर्क मूल की भस्म का उपयोग करते हैं, इस प्रकार से देख सकते हो आप। तापक्रम की बात करें तो ये जीर्ण ज्वर में तथा विषम ज्वर में उपयोगी होता है। त्वचा की बात करें तो ये कुष्ठ और चर्म रोगों में इसका उपयोग होता है, इस प्रकार से देख सकते हो, कुष्ठ और चर्म रोगों में इसका उपयोग होता है। सात्मीकरण की बात करें तो ये सामान्य दुर्बल होता है, और ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ जाती है, सर्प विष में इसके मूल स्वरस का काली मिर्च के साथ पिलाते हैं, सांप के जो डस देता है, सांप के डसने पर इसका क्या करते हैं, मूल स्वरस, इसका जो जड़ है उसका स्वरस निकालते हैं, उसको काली मिर्ची के साथ मिलाकर पिलाते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि कैंसर में इसके मूल एवं पत्र लाभकर होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कैंसर में इसका मूल एवं पत्र का उपयोग किया जाता है, लाभकर होता है। प्रयोजन की बात करें तो इसका मूल त्वक, क्षार, पुष्प और पत्र उपयोग में लाया जाता है। इसकी मात्रा की बात करें तो मूल त्वक का जो चूर्ण होता है बहुत ही अल्प मात्रा में लिया जाता है, तो आधा से एक ग्राम इसका मूल त्वक है उसका चूर्ण का उपयोग करते हैं। छीर का जो उपयोग है एक चौथाई से लेकर तीन चौथाई तक उपयोग करते हैं। पुष्प का एक से तीन ग्राम उपयोग करते हैं। विशिष्ट योग इसका होता है अर्क लवण और अर्क तेल, अर्क लवण और अर्क तेल इसका विशिष्ट योग होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो दिया हुआ है वो अर्क लवण है, तो इस प्रकार से अर्क कंप्लीट होता है, और साथ ही साथ ये अर्केश्वर भी इसका विशिष्ट योग होता है। तो इस प्रकार कंप्लीट हुआ। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।